तो सर क्या प्लान है आज का, कहाँ चलना है? यार हम हैं कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी तो जानते ही ना कि बीचेस के लिए फेमस है, विवेकानंद मेमोरियल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर ही चलते हैं और देखते हैं रास्ते में अगर कोई जेसीबी भी मिल जाती है तो वो कहानी हम कैप्चर करेंगे। चलिए सर, चलो बैठो बैठो। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी रास्ते पर निकलें और हमें जेसीबी ना दिखाई दे। अभी हम जिस रास्ते पर हैं वहाँ आप देख सकते हैं हमें एक जेसीबी दिखाई दे गई है। मैं वहाँ चलता हूँ और देखता हूँ कि किसकी जेसीबी है और उनकी क्या कहानी है जेसीबी के साथ। आइए मेरे साथ। ऑनर्स कॉन्टेक्ट नंबर 6656। वड़कम सर, हमें आपकी जेसीबी के साथ कुछ शूट करना है सर, क्या आप परमिशन दे सकते हैं? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों जिनकी ये जेसीबी मशीन है उन्होंने कुछ टाइम देने के लिए हाँ कर दिया है। अभी हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि जेसीबी के साथ उनकी कहानी क्या है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें जो जेसीबी मिली थी अभी हम उनके मालिक के साथ हैं और देखिए हमारी मुलाकात कहां कर हुई है। इनके पास जेसीबी की कुल 16 मशीनें हैं जिनमें 12 बैकहो लोडर और 4 एक्सकेवेटर हैं। जेसीबी के साथ इनका रिश्ता बहुत ही पुराना है और इनके बेटे का भी जेसीबी के साथ एक अलग ही रिश्ता है, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सैमी जी से जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। சார் வணக்கம், என் பேர் வந்து சாமி, திருவள்ளி மாவட்டம் நாங்குநேரி தாலுகா நெடுங்குளம். 95 நான் வந்து ஒரு ரப்பர் ஃபார்ம் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்த்தேன். திருப்பி அதை முடிச்சுட்டு 2000 வந்து ஜேசிபி போனேன். ஜேசிபியில் போய் கிளியராக ஹெல்ப்பராக இருந்து ஆப்ரேட்டர் ஆகி ஒரு 2-3 வருஷம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். திருப்பி ஆகி வர ஒரு 2000 வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி வாங்கினேன். செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி வாங்கி அதை ஓட்டி அதில் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் கிடச்சிது. 2010 புது மிஷின் வாங்கினேன். இப்போ ஒரு ஜேசிபியில் ஒரு 12 வண்டி இருக்குது, டயர் வண்டி பேக்கில் ஓட்டுரு. திருப்பி ஒரு பார்ட்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு இதனால் கூட எங்களுக்கு உடனே கிடைக்கி, ஜேசிபியில் இருந்து உடனே கொடுத்துருதாங்க. திருப்பி ரெண்டு பையனுக்கு ரெண்டு வீடு கட்டியாச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்டெடியாக ஆகிட்டேன். ஜேசிபி வச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னேற்றமாக வந்து நல்லா. தோஸ்தோ சேமி ஜி நே தோ அப்னி யாத்ரா கே பாரே மே பதா தியா. அப் ஜேசா கி ஹம்னே ஆப்கோ பஹலே போலா தா, அப் ஜான்தே உன்கே பேட்டே அரவிந்த் கே பாரே மே. இன்கா பி ஜேசிபி சே எக் பஹுத் காஸ் ரிஷ்தா ஹை. ये एक यूट्यूबर हैं और सिर्फ जेसीबी की वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो पर मिलियंस में व्यू आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और दुनिया में जेसीबी को कितने चाहने वाले हैं। வணக்கம், என் பேர் அரவிந்த். ஜேசிபி நான் ஆப்ரேட்டராகவும் இருக்கிறேன், வண்டியும் ஓட்டுறேன். ஜேசிபி நல்லா இருக்குது, ஓட்டுறதுக்கும் மற்றபடி எல்லா வண்டியோடு நல்லா இருக்குது, அதனால அதை ரொம்ப பிடிக்கும். ஜேசிபி வந்து வண்டி மிஷின் நல்லா இருக்குது, வண்டி ரீவெலிவரி நல்லா இருக்குது, ரெண்டாவது ஓட்டுறதுக்கும் பிடிச்சிருக்கு. நான் ஆப்ரேட்டராக இருந்து நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன், எல்என்டி கான்ட்ராக்ட் இந்த ஜேசிபி வச்சு. तो दोस्तों ये थे सैमी जी और उनके बेटे अरविंद जी, जो कि दोनों पीढ़ियां जेसीबी के साथ जुड़ी हुई हैं। इनने अपनी शुरुआत बहुत नीचे से की और आज वो इस मुकाम पर हैं कि जेसीबी की उनके पास 16 मशीनें हैं और इतना सब होने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। सिर्फ एक कॉल पर उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और अपने बारे में पूरी बात की और हमें इतनी अच्छी जगह पे घुमाया। अभी हम दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर हैं, लेकिन यहाँ से हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। जानेंगे कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जिनकी लाइफ जेसीबी ने बदली है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं किसी और दिशा में।